क्या सरकार के द्वारा कोई आश्वासन अभी तक मिला या नहीं? अभी तक तो हम लोग को कहीं से भी सरकार के द्वारा कुछ आश्वासन नहीं मिला है। आज हम लोग का हड़ताल का 13वां दिन है और हम लोग 13 दिनों से यहाँ अड़े हुए हैं और सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हम लोग का एएनएम नियुक्ति नियमावली 2018 के प्रावधानों के अनुरूप बिहार तकनीकी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 7/22 में वैकेंसी निकाली गई थी 10709 की, जिसकी स्पुटनी भी हो चुकी है। सिर्फ काउंसलिंग कराकर हम लोग की नियुक्ति लेनी थी, लेकिन हमारी सरकार हम लोग की एक नहीं सुन रही है और हम लोग एक वर्ष हो गया और एक वर्ष इंतजार करते करते आज हम लोग इस लड़ाई के जंग में उतरे हैं। एक वर्ष आप लोग को उधर इंतजार करने पर रहा है, अभी महीना इसमें भी हो रहा है धरना प्रदर्शन में, क्या लगता है कि इसमें भी कई दिनों लगा देंगे? बिल्कुल, इसमें भी अभी कितने दिन लगेंगे मुझे पता नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बिहार में बहार बा और नीतीश जी के सरकार बा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिहार में बहार है और बिहार में बहार है और पूरा बिहार बेहाल है। मैं ये उनको कहना चाहती हूँ। हमारी बहनें, उनकी बहनें आज सड़क पर आकर बैठी हुई है, रोड पर आके बैठी हुई हैं। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी, क्या हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं देख रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं कि हमारी एनएम बहनें आज 13 दिन से हड़ताल पर बैठी हुई है। पूर्व में भी इस प्रक्रिया के अनुसार बहाली की गई थी और उसी के अनुरूप अभी भी बहाली करना है, तो फिर क्या दिक्कत है? यहाँ अभी निगेटिव मार्क्स के लिए जो कल हम लोग की नोटिफिकेशन निकाली गई है, उसमें निगेटिव मार्क्स के लिए कंप्यूटर से एग्जाम देने के लिए उसमें बातें कही गई है। क्या हम लोग तो जब भी हम लोग जब जॉब में आए हैं तो एग्जाम दे कर ही आए हैं, तो बार बार एग्जाम लेने की बात कहाँ से आ रही है? कुल हमारी सरकार सुन नहीं रही है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हमारी सरकार बहरी सरकार है, जो हम लोग को पुकार के नहीं सुने, हम लोग की आवाज़ों को नहीं सुने, तो मैं क्या कहूँगी उनके लिए? यही ना कहूँगी, अगर हम लोग की पुकार सुन लिए हुए रहते, हम लोग की आवाज़ सुन लिए हुए रहते, तो आज हम लोग को यहाँ बैठने की नौबत नहीं आती जो आज हम लोग 13 दिन से बैठे हुए हैं। हमारे मंत्री जी पूर्व में जब उनकी सत्ता नहीं थी तो हम लोग से बड़े बड़े वादे किए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी सत्ता होगी तो हम आपको परमानेंट जॉब देने का वादा करते हैं। आज वो वादा कहाँ गया? उनको तो अपने वादा पर खड़ा उतरना चाहिए था कि आज जब हमारी सरकार भी है, हमारी सत्ता भी है, तो हमारी बहनें आज आकर रोड पर बैठी हुई है, तो परमानेंट करने की तो बाद की बात है। अभी तक तो हम लोग का एक बार उन्होंने हमसे वार्ता करने की भी कोशिश नहीं की, जबकि आप लोग की कितनी संख्या में यहाँ पर है और कितनी संख्या आप लोग के हैं? अभी तो हम लोग की लड़ाई 10709 की है, ठीक है, लेकिन पूरे बिहार से हमारी बहनें आ रही हैं और लगभग 3500 के करीब हम लोग संविदा पर है, बाकी जो है से वो लोग ट्रेनिंग करके सिर्फ बैठी हुई हैं और उन लोग के लिए भी ये वैकेंसी है। अगर आपकी बात को सरकार नहीं सुनते तो क्या लगता है उनके वोट बैंक में भी दिक्कत होने होगा? बिल्कुल, 2024 और 25 दिखा दिया जाएगा उनको कि जैसे आपने वादा किया था कि हम वादा निभाएंगे, वैसे ही हम लोग भी अपना वादा 24 और 25 में निभाएंगे। क्या परिचय हुआ? मैं अर्चना कुमारी, संयुक्त मोर्चा संघ की महासचिव।